माता की रक्षा हो, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, यही उद्देश्य लेकर आज श्री राम गौ रक्षा सेवा सदन में हवन पूजन अन्न प्रसाद का कार्यक्रम किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि पूरे विश्व में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि गौ हत्या के विरुद्ध तो कोई बात नहीं करता, अगर गौ रक्षा के माध्यम से अगर कुछ हादसा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भूचाल सा आ जाता है और कई ऐसे गौ हत्यारे नेताएं मीडिया में आकर अनेकों प्रकार की बात करते हैं। हम भी मार तोड़ हत्याओं का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन ये कांड क्यों हो रहा है, ये हत्याएं क्यों हो रही, इसके ऊपर मंथन होने की आवश्यकता है। कई ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े नेताएं हैं, गाय के नाम पर हत्या, गाय के नाम पर हिंसा, ऐसे बड़े बड़े बयान भी आ चुके हैं, लेकिन ये हिंसा को हम कैसे रोके, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। हाल ही में अकबर खान नामक एक गौ तस्कर की हत्या हो गई, अभी भी मीडिया में चल रहा है, लेकिन ये हत्या क्यों हुई, क्या इसके ऊपर कुछ मंथन हुआ आज तक? उस अकबर खान इससे पहले भी उसके ऊपर गौ तस्कर के कुछ केसेस भी बुक हुए, ऐसा मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। तो क्यों इन हत्याओं को रोकने का प्रयत्न क्यों नहीं किया जाता, क्यों गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा क्यों दिया नहीं जाता, क्यों हर राज्य में गौ हत्या के प्रति क्यों कानून नहीं बनता, क्यों गौ माता के प्रति हर राज्य में एक मंत्रालय क्यों नहीं बनता, एक मंत्री गौ रक्षा के लिए क्यों काम नहीं करता, क्यों उस क्षेत्र के जिस राज्य में गौ हत्या होती है उस क्षेत्र में गौ तस्करों से गौ रक्षकों से कुछ झगड़ा हो जाता है तो वहां का कमिश्नर हो, DSP हो, DGP हो, क्यों इन गौ तस्करों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, मैं पूछना चाहता हूं। अगर कोई गाय काटने ले जाए तो किसी को दर्द नहीं होता, कोई गाय का मांस खींच दे, गौ माताओं की हत्या कर दे, गौ मांस बेचे, किसी को दर्द नहीं होता। कोई गौ रक्षक अगर गाय की रक्षा करने कर जाता है, उस गौ रक्षक से उन गौ हत्यारों से अगर झगड़ा हो जाता है, कई ऐसे गौ रक्षक भी मर चुके हैं इन गौ हत्यारों के हाथों से, कमी मीडिया ने उनका समर्थन नहीं किया, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर गौ रक्षकों की गौ हत्यारों की झगड़ा हो जाता है तो कोई गौ हत्यारा मारा जाता है तो पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन सभी गौ रक्षकों पर पीछे पड़ जाती है। पार्लियामेंट में कई ऐसे गौ हत्यारे जो चीखना पुकारना शुरू कर देते हैं, मैं किसी लड़ाई झगड़े का किसी कोई मैं ये गौ रक्षकों को ये नहीं कहूँगा कि किसी की हत्या करो, लेकिन उन सभी राजनेताओं से उन सभी सांसदों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करो, ये पार्लियामेंट में आवाज उठाओ। जब तक गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिलता, मैं समझता हूँ ये जो युद्ध है गौ रक्षा के प्रति जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। चाहे गौ रक्षकों को जेल में डाले या गौ रक्षकों को आप गोली मार दो, लेकिन गौ माता की रक्षा का जो कार्य है पूरे विश्व में चलेगा, और वो किस प्रकार से चल रहा है ये सारी दुनिया देख रही है। हम भी नहीं चाहते कि खून खराबा हो, लेकिन खून खराबा रुकना चाहिए, खून खराबा अगर रुकना चाहिए तो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। जब तक गौ माता को हम राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिला सके, सरकार हमारे मोदी जी प्रार्थना है आपसे, गौ माता को जब तक आप राष्ट्र माता घोषित नहीं करते, हर राज्य में गौ माता के प्रति एक मंत्रालय या कोई मिनिस्टर या कोई अच्छा सा एक कानून, आप सख्ती से कोई कानून गौ रक्षा के लिए आप तब तक नहीं बनाते, तब तक मैं समझता हूँ ये हत्याएं ये मारपीट नहीं रुक सकती है, ऐसा मैं समझता हूँ। मेरी बातें थोड़ा ध्यान में रखे, और जो मैंने कहा ये सत्य कहा है, गौ माता बचेगी तो विश्व बचेगा, गौ माता बचेगी तो धर्म बचेगा, गौ माता बचेगी तो देश बचेगा। तो गौ माता की रक्षा के लिए मंथन करें, यही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ।